था, पहले एक राजा का महल था, जो राजा का बेटा ने जो उसको बच्चा नहीं हुआ, फिर इस मंदिर का है लामा जी को सौंपा। आप कितने सालों से यहाँ पे सेवा कर रहे हो? मैं तो 7 साल। 7 साल। क्या खासियत है यहाँ की? हाँ, क्या खासियत है यहाँ की? यहाँ की जो पुराना है, सबसे पुराना मंदिर, हम्म। और इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं तिब्बत से लाया हुआ है। हाँ जी, आप रोज कितने दिए जलाते हो? रोज नौ बड़ा मंदिर जो 20-30। मैंने काफ़ी सारी जगह पे देखा, वो मूर्ति के सामने 7 हाँ बाउल्स रखते हो, हाँ जी, उसमें कहीं मैंने नमक देखा, काफ़ी सारी जगह मैंने चॉकलेट्स देखे, अलग अलग तरीके से। जो हिंदू धर्म में होता है, जो बड़ा बड़ा आदमी लोग जो पदार्थ हैं, जो हमारे रूम में पदार्थ है, तो पहले जो पानी देता है, फिर पैर धोने का पानी देता है, जो रामायण की तरफ से बोले जाए तो पैर धोने का पानी, देवताओं को पैर धोने का पानी देता है, फिर फूल चढ़ाता है, फिर अगरबत्ती जैसा और दिया, उसके बाद जो नहाने का पानी, जो पवित्र होता है ना पानी, वो फिर खाना देता है, फिर जो गाना वाना जैसा उनको दिखाता है ना, उसकी तरह है साथ। हाँ, हाँ जी, बट साथ ही क्यों? लेकिन 3 चढ़ा, अभी तो पानी चढ़ाया हुआ है, पानी साफ भी है, पवित्र भी है, इसलिए पानी चढ़ाया हुआ है। लेकिन क्योंकि दूध जैसा चढ़ेगा तो किसी को मन में जो कंजूसी का आ सकता है, लेकिन कंजूसी जैसा मन में आया आएगा तो फिर पाप भी हो जाता है। अच्छा, हाँ, इसलिए पानी पवित्र भी है, इसलिए पानी चढ़ाते हैं। मतलब आपका बोलना है कि पानी चढ़ाना ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब उसके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने हाँ जी, पड़ेंगे। हाँ ओके ओके। बट 7 नंबर ही क्यों? मतलब मैंने हर जगह नंबर हाँ सात जी, सात बाउल, होता है नहीं। हाँ, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ हाँ, तो मुझे वो 7 नंबर तो मैजिकल नंबर है, ये मुझे पता है, बट हर जगह 7 ही क्यों? मतलब आपका उसके मतलब भी, वही है, पहले वो ऐसा चढ़ाता है, फिर ये ऐसा ऐसा, मतलब सात होता है ना। हाँ, 7 बाउल क्यों? मतलब मुझे वही पूछना है कि 7 बाउल क्यों? वही मानता है, 7 बोल अच्छा, का जो एक एक वो मतलब एक एक मतलब है ना, एक हाँ, बोल को जो पीने का पानी, एक नहाने बोल को जो जो का पानी। जो पैर धोने का पानी, हाँ, ऐसे ऐसे अभी 7 बताया, अच्छा, वही मतलब है, इसलिए मतलब सात अलग चढ़ाया। अलग सात हाँ अलग अलग मीनिंग है हाँ उसके, जी, हाँ इसलिए फिर 7 बाउल आप हाँ रखते हो। सात मतलब एक नहाने का, पैर धोने का पानी, एक नहाने का हाँ पानी, एक पीने का पानी और एक प्रसाद का हाँ पानी, जी, 7 होता है मतलब, सात हो हाँ गया। ओके ओके, थैंक यू मतलब सर, यही है। थैंक यू सो मच। स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आप देख सकते हो अभी अभी हमने बात की और हमें 7 बाउल्स के बारे में पता चला था, एक ना पानी उनके पैर धोने के लिए, एक नहाने के लिए, मतलब प्रसाद का मीनिंग उन्होंने रखा है पानी। पानी हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि पानी हर कोई अफोर्ड कर सकता है। सर, आप मुझे बताओगे ये चॉकलेट्स और ये प्रसाद ऐसे क्यों होती है? मैंने हर जगह देखी कि चॉकलेट्स, कहीं मैंने जूस, कहीं मैंने बिस्किट्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ तो मैं भी डोनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। तो क्या आप मुझे बताओगे कि ऐसे प्रसाद क्यों? हाँ, ये पहले हम जो मीठे जो होते हैं पहले भगवान को चढ़ाते हैं, फिर हम बाद में अपने अपने लिए प्रसाद के तौर पर हम हम अपने लोग लिए लेते थे, लेते हैं। यस, हाँ जो फिर आप जरूरतमंद लोगों को भी दे देते हाँ हो। जो भी इधर दर्शन के लिए आते हैं उनको प्रसाद के तौर पर हम देते हैं। अच्छा, और हर जगह आपने ये बाउल्स में पानी रखा हुआ हाँ, है, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा यहाँ पे। जो पानी है वो पवित्र भी है, हाँ साफ भी है, इसमें जो कंजूसी का जैसा मान भी नहीं होता है। हाँ जी, अभी ये तो जो बहुत अच्छी बात लगी हाँ मुझे कि पानी में कंजूसी नहीं कोई करता है, पानी हर कोई अफोर्ड कर हाँ सकता है, और पानी का प्रसाद रखना, ये हाँ मुझे सबसे अच्छी हाँ बात लगी है। और मैंने काफी जगह पे नमक भी देखे थे, कल मैं और दूसरे मोनेस्ट्री गई थी, वहां पे मैंने, ये तो डिस्क्रिक्ट मोनेस्ट्री है, कल मैंने वहां पे नमक देखा था, जो नमक पूरी निगेटिविटी खींच लेता है, उसका क्या मीनिंग है? मतलब नमक क्यों रखा गया था? वही है, क्योंकि जो गर्मी के टाइम में तो पानी ही चढ़ाता है, ओके, सर्दी के टाइम में पानी चढ़ाने से वो बर्फ पड़ जाता है, अच्छा इसलिए नमक चढ़ाता है, नमक अच्छा सर्दी के टाइम पे पानी का बर्फ हो जाता है, इसीलिए आप लोग उसको नमक चढ़ाते हैं। होता थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। है।